जिस कवित्री को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं उनकी कविता बहुत ही मुझे हमेशा प्रभावित करती रही है कि क्या परिचय दूं मैं अपना, कि क्या परिचय दूं मैं अपना द्रौपदी पांचाली कृष्णा या किससे नहीं। तुमने देखा सभी संबंध सूत्र के हैं या विश्लेषण, मेरा कोई नाम नहीं। स्त्री विमर्श पर आपके बहुत सारी कविताएं हमें आंदोलित करते रही हैं। स्त्रियों और समाज के अन्य तबकों के विषय में आपने बहुत ही सक्रियता के साथ लिखा है और आज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आईटीएम में आप प्रोफेसर हैं। पढ़ाई आपकी दिल्ली में हुई और आप मूलतः बिहार की हैं। बहुत सारी कविताएं आपके बहुत ही ओजस्वी और क्षण भर में आप कविता लिख देती हैं, ये शिल्प आप में है कि मैंने तथागत से पूछा क्या तुमने कल को देखा है, एक हल्की स्मित कौंधी, मैंने तो बस कल को कल ही देखा है। बहुत ही सुंदर शब्दों की आप चितेरी हैं और हम प्रतीक्षा आपके कविताओं के कर रहे थे। हम सबके सम्मानिता सुमन केसरी जी, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं जो कविता सबसे पहले सुनाऊंगी वो मेरी बहुत प्रिय कविता है और उसका शीर्षक है उसके मन में उतरना। उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था, उसके मन में उतरना मानो कुएं में उतरना था, सीलन भरी अंधेरी सुरंग में। उसने बड़े निर्विकार भाव से अंग से वस्त्र हटा, सलाखों के दाग दिखाए। एक बार बिना बताए मायके चली गई, माँ की बड़ी याद आ रही थी, उस दिन के निशान ये वाले हैं। ऐसे कई निशान थे शरीर के इस या उस हिस्से में, सब निशान दिखा, सब निशान दिखा, वो यूं मुस्कुराई जैसे उसने तमगे दिखाए हो किसी की हार के। सब निशान दिखा वो यूं मुस्कुराई जैसे उसने तमगे दिखाए हो किसी की हार के। स्तब्ध देख मुझे, स्तब्ध देख उसने खुले से छुआ, जानती हो बेबस की जीत आंख की कोर में बने बांध में होती है, बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा। बेबस की जीत आंख की कोर में बने बांध में होती है, बांध टूटा नहीं कि बेबस हारा। आंसुओं के नमक में सिझा के ये मुस्कान पकाई है, तब मैंने जाना उसके मन में उतरना मानो किसी गहरे कुएं में उतरना था, जिसके तल में मीठा जल भरा था। यहाँ पर बहुत सारी बच्चियां सुबह आई थी, अभी तो नहीं दिख रही, लेकिन एक ये कविता बच्चियों को मैं जरूर सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा था। और अभी दो तीन दिन पहले हम लोगों की फ्रेंड एनिवर्सरी जब आई मेरी बिटिया की, तो मैंने इसको लगाया था और उसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है सौंपना। मैं अपने हाथों की सारी कलाएं, मैं अपने हाथों की सारी कलाएं और देह की सारी उष्मा तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ मेरी बिटिया। मैं अपने हाथों की सारी कलाएं और देह की सारी उष्मा तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ मेरी बिटिया। तुम्हें छाती से लगाकर अपने मन के तमाम भेद तुम्हें बता देना चाहती हूँ मेरी बिटिया, ताकि तुम जी सको जीवन कुछ अपने ढंग से, ताकि तुम जी सको जीवन कुछ अपने ढंग से। हम उत्तराखंड में खड़े हैं और मैं हूँ, और दुनिया भर में जिस तरह से प्रकृति के साथ पर्यावरण के साथ अन्याय हो रहा है, मेरी मंशा है, कवि की मंशा है, जाने क्या बचेगा क्या नहीं, लेकिन अपनी मंशा तो आप लोगों को कह ही सकती हूँ। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी और खालिस मिट्टी नीचे दबे धरोहरों के साथ। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी नीचे दबे धरोहरों के साथ,
शायद उसी में बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी। उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बांबी, चिड़िया की चोंच से गिरा कोई दाना, बांस का एक झुड़मुट जिसमें बांसुरी की आवाज आती होगी। मैं कुछ कविताएं और भी सुनाना चाहती हूँ, वहां पर रखूंगी। एक पेपर सुन, आप लोग सुनेंगे, मैं एक तो और सुना सकती। ये कविताएं किसानों पर है। कुछ देर पहले किसानों पर बात हो रही थी, फिलहाल तो एक किसान है, वैसे कई किसान हैं। इसका शीर्षक है आत्महत्या। उसने आत्महत्या की थी, उसने आत्महत्या की थी इसलिए बरी था देश, नेता बरी थे, बरी था बाजार, खरीदार बरी थे, बरी थे माँ बाप, भले ही कोसा था उन्होंने उसकी नासमझी को बार बार कि उसने इंजीनियरिंग छोड़ साहित्य पढ़ा था, सो भी किसी बोली का, इससे तो भला था कि वह खेत में हल चलाता, दुकान खोल लेता या यूं ही वक्त गवाता, कम से कम पढ़ाई का खर्चा ही बचता, भाग्य को कोस लेते पर बची तो रहती कुछ इज्जत, न पढ़ने से कुछ तो हासिल होता। परी थी प्रेमिका, हार कर जिसने माँ बाप का कहा माना था, भाई बरी था बावजूद इसके कि फटकारा था, बच्चों को उससे बात करने पर, बरजा था पत्नी को नाश्ता खाना पूछने पर, बहन बरी थी, उसने तो न जाने कितने बरसों से राखी तक न भेजी थी। बरी थे दोस्त परिचित बरी थे, आखिर कब तक समझाते उस नासमझ को कि न कुछ से भला है किसी होटल में दरबान हो जाना या फिर सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन लेना, आखिर न इंजीनियरिंग पढ़ा था वो न ही मैनेजमेंट, भला तो यह भी था किससे कहानी सुना या यूं ही कुछ गा बजा, भीख ही मांग लेता, कुछ पेट तो भरता। तो आखिर पुलिस ने मान लिया कि आत्महत्या हुई, उन्हीं किताबों के चलते जिनमें कल्पनाएं थी और थे सपने। तो आखिर पुलिस ने मान लिया कि आत्महत्या हुई, उन्हीं किताबों के चलते जिनमें कल्पनाएं थी और थे सपने, डरावनी आशंकाएं थी, भ्रम थे अपने, सो उसकी लाश के साथ किताबें भी जला दी गईं, सो उसकी लाश के साथ किताबें भी जला दी गईं, अब घर सपनों, अपनों और कल्पनाओं से मुक्त था, अब घर सपनों, अपनों और कल्पनाओं से मुक्त था, अपने में मगन, जमीन में पैबस्त। एक कविता और है बिटिया के लिए, और ये इस कविता को मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इस कविता को बहुत पसंद किया गया था, मतलब फेसबुक में अच्छे पंत जी ने अच्छे उसमें कमेंट्स लिखे थे, तो मैं उनको नजर करती हूँ। कविता का शीर्षक है रितंभरा के लिए। जब जब मैंने नदी का नाम लिया, बेटी दौड़ी आई, पूछा तुमने मुझे पुकारा माँ। जब जब मैंने नदी का नाम लिया, बेटी दौड़ी आई, पूछा तुमने मुझे पुकारा माँ। जब जब मैंने हवा का नाम लिया, मेरी पीठ पर झूम झूम कहा उसने, तुमने मुझे पुकारा, तुम आ गई। जब जब मैंने सूरज को देखा, किरणों की आभा लिए, उतरी वह मेरे अंतस्तल का निविड़ अंधेरा मिटाने। जब जब मैंने मिट्टी को छुआ, वह हंस दी, मानो बीज बो रही हो खुशियों के मेरे आंगन में। जब जब मैंने आकाश को निहारा, वह तिरने लगी बदरी बन, बरसी झमाझम सूखी धरा पर। जब जब मैंने क्षितिज को की ओर ताका, जब जब मैंने क्षितिज की ओर ताका, वह मेरा आंचल ताम खड़ी थी। जब जब मैंने क्षितिज की ओर ताका, वह मेरा आंचल थाम खड़ी थी, कहती मैं हूं ना तुम्हारे पास, कहती मैं हूं ना तुम्हारे पास। और एक कविता मैं सुना रही हूँ जिसकी आज कुछ लोगों ने कहा कि मैं जरूर सुना दूं, और ये छोटी सी कविता है, संभवतः इसी का पोस्टर भी बना है, मुझे मैंने देख तो नहीं पाई हूँ, लेकिन मैंने यही भेजी थी कविता।
रेगिस्तान की तपती रेत पर। इस कविता का शीर्षक है औरत, और ये मैं पूरी मातृशक्ति, पूरी प्रकृति, पूरी ऋत को नमस्कार करके ही इस कविता को मैं हरदम पढ़ती हूँ, उनको प्रणाम करके मैं इस कविता को पढ़ती हूँ। रेगिस्तान की तपती रेत पर अपनी चुनरी बिछा, उस पर लोटा भर पानी और उसी पर रोटियां रखकर हथेली से आंखों को छाया देते हुए औरत ने ऐन सूरज की नाक के नीचे एक घर बना लिया। रेगिस्तान की तपती रेत पर अपनी चुनरी बिछा, उस पर लोटा भर पानी और उसी पर रोटियां रख हथेली से आंखों को छाया देते हुए औरत ने ऐन सूरज की नाक के नीचे एक घर बना लिया।